भाई रे खुद पर जाप तोले हरे चुगल खोरे बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले चुगल खोरे बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले मदरा पीवे हुए दर ग्रंथ पढ़े ना मांस खाए और मदरा पीवे हुए दर ग्रंथ पढ़े ना अरे दुनिया को बहकाता फिरता दुनिया को बहकाता फिरता झूठ ना दुनिया बोले चाचा जी हिसार हरियाणा जो 500 रुपए से हमारी छोटी सी पार्टी का मान सम्मान और अपने सभी बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं एक बार चाचा हिसार का जोरदार ताली से मान सम्मान हो जाए जोरदार ताली से और दूसरी कली में कैसा बेटा मर जाना चाहिए कैसा बाप मर जाना चाहिए कैसी बेटी मर जानी चाहिए और कैसा यार मर जाना चाहिए आइए चौथी कली में के लिख दिया और ये बता दिया जो शेखी शान घटावे मर जा ऐसा बाप कती जो ना औलाद पढ़ावे मर जा ऐसा बाप कती जो ना औलाद पढ़ावे बेटी वो मर जाए जो दोनों कुल के दाग लगावे बता दिया कि बेटी वो मर जाए जो दोनों कुल के दाग लगावे और छोड़े साथ छोड़े भाई वो डके भाई वो मर जाए भाई को जो पैरों पे पिटवावे भाई वो मर जाए पैरों पे पिटवावे अरे दुश्मन के लिया मेल करे वे दुश्मन के Oh!
वाली में कवि महोदय ने लिख दिया कि कैसा यार मर जाना चाहिए, कैसा साहूकार मर जाना चाहिए, कैसा रिश्तेदार मर जाना चाहिए और एक कैसी पत्नी मर जानी चाहिए। तीसरी कली में कवि महोदय बिल्कुल कड़वी सच्चाई लिख रहा है। और क्या लिख रहा है बोला, ये बता दिया। मर जा साहू, मर जा साहूकार, वक्त पे जो ना देख पाई। मर जा साहूकार, वक्त पे जो ना देख पाई। अरे मर जा रिश्तेदार ईसा बिक, मर जा रिश्तेदार ईसा बिगड़ी में करे बुराई। अरे छोड़े साथ, छोड़े साथ मुसीबत में मर जाए सी दुष्ट लुगाई। छोड़े साथ मुसीबत में मर जाए सी दुष्ट लुगाई। अरे पति उठावे कष्ट रांड, देख पति उठावे कष्ट रांड, जो यारा के संग डोले फुसल फोड़े बेईमान मर जो अमृत में विष घोले। फुसल फोड़े बेईमान मर जो गुरु खास चेलों से ज्ञान छुपावे। मर जाए ऐसा गुरु खास